वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा। इस क्यूज में आपको 20 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस क्विज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए चीफ बने हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है सी, आरकेएस भदौरिया, जो कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वरिष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, सोनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 मिला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, आनंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2019 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये फिल्म है राजी। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ ने हाल ही में खाताधारकों के लिए ब्याज दर 0.10% बढ़ाकर कुल कर दी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 8.65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 12वां व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कितने नए देशों के लिए स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 6 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को किस देश में टीचिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी कंपनी एक बार फिर सबसे ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर वाली टेलीकॉम कंपनी बन गई है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, वोडाफोन और आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया और किसने हाल ही में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, रवि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्र उद्यानों के अंतर्गत है? वह राज्य है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम का पूरा स्वरूप है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर होगा ए, सबसे पहले आएगा आपका मिजोरम, उसके बाद आएगा गोवा, उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ये थी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आपके इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।